जय हिंद मन्ना जी। जय हिंद अशोक कुमार मलिक जी। बहुत खुशी हुई आज फिर आपसे रूबरू हुआ हूँ, और पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, और आरजीएस के लिए वो उत्सुक रहते हैं इन इन डायलॉग्स के प्रति, और इस समय बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। और 21 जनवरी को लेडी हार्डिंग कॉलेज कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में उनके कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हॉल में हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन होने जा रहा है, और उसकी तैयारियां चल रही हैं, और उसके बारे में भी वो जानने को उत्सुक हैं कुछ, जो कुछ तो उसमें भाग ले रहे हैं और अन्य भी। और मार्बल स्टूडियो में 13 फरवरी 2024 को, अभी अगले महीने ही, तो वहाँ पर हमको इनवाइट किया गया है, और उसमें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म हो रहा है, उसके विषय में भी, और इसका क्या प्रभाव भी रहेगा, और इन विषयों पर भी आपके विचार जानने को उत्सुक होंगे। तो अभी हम 24 जुलाई को तो 9वें वर्ष में प्रवेश कर ही चुके हैं, 24 जुलाई 2023 में, तो बहुत लंबा यात्रा करके आए हैं। तो मन्ना जी, अभी जो इस समय तैयारियां चल रही हैं, उस विषय में थोड़ा सा आरजीएस को और बाकियों को बताएं जो लोग इसमें दूर दराज हैं। जी, सभी आरजीएसियंस को वंदे मातरम। और ये वंदे 75वां मातरम। गणतंत्र दिवस है, तो देशभक्ति के ऊर्जा से लबरेज पूरा देश इस समय तरन्नुम में चला जाता है। अशोक मलिक जी, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, ये जी राम जी जानकी संस्थान प्रौद्योगिकी ब्रॉडकास्टिंग हाउस का जी जी ये स्लोगन है, और इसी पर थीम मानकर हम लोग 9 वर्षों से काम कर रहे हैं। जी 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 और 21 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस इसलिए खास होने जा रहा है क्योंकि 21 जनवरी को एक क्लू दिया जाएगा कि हम लोग वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं। 13, जैसा आपने कहा, 13 फरवरी 2024 जी को डॉक्टर संदीप मारवा जी, जो कि नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक हैं, और ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में अगर हम लोगों को 2:30 बजे से 4 बजे जी जी विश्व के कैमरे के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारियां तो करनी ही चाहिए, और करनी ही आरजेसियंस चाहिए। उसके लिए तैयार हैं, और आरजेएस पीवीएच पैनलिस्ट भी आ गए हैं, तो जी उनसे जी बड़ी अपेक्षा है कि वो सकारात्मकता और सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रयासरत हैं, और आगे भी वो रिफ्लेक्ट करें। 21 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस के माहौल में हम लोग अमृतकाल का जो सकारात्मक भारत पार्ट 1 पुस्तक आ गई है, अब दूसरे पार्ट का पोस्टर का लोकार्पण किया जाएगा जी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, और जी जी बड़े गणमान्य अतिथि आ रहे हैं। जी जी अध्यक्षता स्वयं ही प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार सरीन जी करेंगे, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एचओडी हैं, जी जी निदेशक हैं, तो इन लोगों का सानिध्य मिलेगा। और जैसा आपने कहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो निदेशक हैं और एचओडी हैं, कला निधि डिवीजन के, कला मर्मज्ञ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक, तो जी जी ये सब गणमान्य अतिथि रहेंगे। और महिलाओं का भी साथ मिला है ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस का, तो जी जी वीणा जैन जी भी उपस्थित रहेंगी, अच्छा वहां की पैटर्न है, और जी आरजेएसएन जी हैं, काफी कई बार सपोर्ट आ चुके करती हैं। हैं, जी कई बार जी आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हाँ जी तो बड़ा ही एक्साइटमेंट का माहौल हो रहा है कि हम लोग सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, जी जी ये तो 9 वर्ष पूरे हो गए 24 जुलाई 2015 को, अब हम लोग ये 10वें वर्ष में जब प्रवेश करें, तो एक नई आभा विश्व के सामने, विश्व पटल पर लेकर आए, यही जी ख्वाहिश लिए हुए एक राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक आरजेएस पीवीएच, मेरे मन में यही चीज रहती है। जी और जी लोगों का साथ बहुत मिल रहा है, लोगों के जी फोन जी कॉन्टेक्ट करते हैं और बताते हैं कि ये अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पत्रकार भी, जी हम जी लोग पत्रकारों के साथ भी काफी बैठकें किए, वो सारी चीजें चलती रही हैं, लेकिन ये मौका जो है इस समय समय आया हुआ है, आरजेएसएन के जी पास एक मौका है कि जी जी विश्व स्तर पर अपनी बात को रखने का और 1 पॉइंट प्रोग्राम चलाने का,
क्योंकि जी जी इसके अलग अलग संस्थाओं का फेडरेशन है, आरजेएस जो है, पीबीएच, ये अलग अलग पत्रकार संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट हो गए, और भी संगठन है, और उसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी का जब मार्गदर्शन मिलता है तो वो एक अद्भुत सा संयोग हो जाता है। जैसे कि आपने देखा ही मकर संक्रांति और लोहड़ी और पोंगल, माघ बिहू को हम लोगों ने किस तरह से अपने सांस्कृतिक आहार विहार के साथ मनाया, शिक्षा की बात की और शिक्षा और संस्कार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। तो यही है, पॉजिटिविटी एक महामंत्र है। और अशोक कुमार मलिक जी, मैं बताऊं कि 9 साल पहले जब सकारात्मक पत्रकारिता के रूप में हम लोगों ने प्रवेश किया तो जी लोग जी आते गए और कारवां बनता गया। आज 25 राज्यों के जी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों के बीच देशभक्ति का जो ये भाव है वो 21 जनवरी 2024 को एक नए रूप में तिरंगा की रक्षा करने का संकल्प लेना, और उस प्रोग्राम का भी जो है ना, हम लोग 1 जनवरी से जो विधिवत शुरू किए हैं कि श्लोक और सुविचार से कार्यक्रम जी को शुरू करेंगे, तो उसका भी जी पालन वहां पर किया जाएगा। बहुत खूब। और आपके शब्दों से सबको दिशा निर्देश और प्रेरणा जरूर मिलेगी। और मैं देख रहा हूं कि उत्तरोत्तर हमारा चिंतन विश्व स्तर पर अपनी बात को ले जाने का प्रयास करने की ओर हो रहा है। और मारवा स्टूडियो में हमारा जो हमारी उपस्थिति होगी वो उसमें एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। इस बात को आरजीएस को बहुत इसके प्रति सजग होना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि वो अपने दायित्व को समझते हैं खूब। और आपके साथ तो बहुत पत्रकार भी होंगे और वहाँ पर। और अच्छा, तो पहले हमारा पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा नज़रों में आ रही है और अनेक लाइब्रेरीज में भी गई है, और अब ये नई पुस्तक जो आ रही है, पार्ट 2, अमृतकाल का सकारात्मक भारत, तो इसमें मना जी थोड़ा बताएं कि इसमें क्या कुछ और फीचर्स पहले के अनुभव से पर आधारित कुछ नए फीचर्स क्या जोड़े गए हैं जी इस जी विषय में? जी आप स्वयं ही गवाह हैं, 6 अगस्त 2023 राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम जी आईटीओ जी नई दिल्ली, जी जहां पर जी कि फर्स्ट पार्ट का लोकार्पण हुआ और वहां पर जी जी पैनलिस्ट बनाए गए। कुछ लोग आए, हाथ खड़े किए कि हम भी आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट बनेंगे, जी तो कुछ पैनलिस्ट बन गए और उनके साथ जो है पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किया गया। मलिक जी, जी ये जी देश को एक पत्रकारिता के नया आयाम दिया गया, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग, जी और जी ये हम लोगों ने किया बखूबी। आप भी उसमें इन्वॉल्व रहे, और कालिदास पे प्रोग्राम किया गया, फिर जन्माष्टमी पे आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं शौकिया तौर पे, थैंक तो उसे यू लेकर वेरी मच। भी उन चीजों को बाहर लाया गया। जी जी और जो हमारे लाफ्टर एम्बेसडर जुड़े हैं, उन लोगों के भी बातों को जीवन में हास्य योग का महत्व जी जी समझाते हुए हम जी जी लोग, वो जो इंटरव्यू हुआ और आपस में ही इंटरव्यू हुआ आरजेएस पीबीएच पैनलिस्टों का, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी हुई आप जानते जी हैं जी सितंबर में, जिसमें बड़े गणमान्य वाइस चांसलर वगैरह आए, महानिदेशक आए वगैरह, तो जी उन जी लोगों का मार्गदर्शन पैनलिस्टों को दिया गया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया वर्कशॉप के रूप में। तो हाँ हाँ इन सब वो चीजों को इस किताब के अंदर लाया जाएगा। यानी पहली किताब में भी हम लोगों ने जो 150 कार्यक्रम किए थे, उन कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत किया गया कि आरजेएस ने 150 दिन 1.5-2 घंटे देकर जो जी कार्य किया है वो जनता के सामने जाए, और यही दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया जो है फिर प्रारंभ हो गई, और उसी का पार्ट 2 जो है वो गणतंत्र दिवस पर 21 जनवरी 2024 को पोस्टर लॉन्च होगा, उस पुस्तक का पोस्टर लॉन्च होगा, और 13 फरवरी 2024 को मारवा स्टूडियो में जी बुक लॉन्च होंगे। तो उसमें जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अमृतकाल का सकारात्मक भारत का आपने अभी देखा कि 199वां कार्यक्रम किया गया, और उसके जी बाद जी 200वां कार्यक्रम जो है 21 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हम लोग करने जा जी रहे जी हैं, तो ये सब किताब के अंदर हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है हम लोग कर रहे हैं, तो जो गतिविधियां आरजेएस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस की हो रही हैं,
उन गतिविधियों का ही दस्तावेज होगा, यानी सकारात्मक कार्यों और सकारात्मक प्रयास जो किए जा रहे हैं उसी का एक दस्तावेज जो है किताब के रूप में हर साल दो किताब के रूप में आएगी, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। जी जी बहुत खूब। और इन सबसे मालूम पड़ता है कि कितना विगरसली आगे बढ़ रहा है आरजीएस पीबीएच, और भविष्य की ओर इसका जो है रास्ता बिल्कुल नए क्षेत्र तो खुलने ही हैं और री इन्वेंट करता चला आ रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े हैं, और इनफैक्ट अनेक विद्वान, अनेक संस्थाओं के प्रमुख, और उन्होंने आकर इसकी शोभा बढ़ाई है। उनको उनको लगा है कि आजकल के टाइम में सकारात्मकता की बहुत बहुत जरूरत है। अच्छा, हमने ना सिर्फ अपने विभूतियों को और जिन्होंने समाज निर्माण में योगदान दिया उन्हीं को हमने श्रद्धांजलियां दी हैं, और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को हम ये भी नहीं भूले हैं कि घर घर में जो आदरणीय हैं, जो दिवंगत हैं, उनको भी हम देते हैं। पिछले पुस्तक में भी अनेक पृष्ठ थे जिसमें उनको उनको याद किया गया, उनकी स्मृति को नमन किया गया, और आपका आपके पुस्तक में भी तो ऐसा प्रावधान होगा ही। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि कुछ आरजीएसियंस ने अपने दिवंगत माता पिता या अन्यों को उनकी स्मृति में उन्होंने अवार्ड घोषित किया किसी की विभूति के नाम पर, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि हम लोगों को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, सत्य है। पुस्तकें जो हैं वो एक दस्तावेज के रूप में अगली पीढ़ी तक रहेंगी, और लाइब्रेरी में चूंकि इसको पहुंचाई जा रही है तो संरक्षित भी रहेंगी। जी जी। तो जो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, गुमनाम हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा किया, उनको तो याद करना ही है, नई पीढ़ी तक उनको बताना पहुंचाना ये इसी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। वो आरजेएस पीबीएच ने इस जिम्मेदारी का एक वहन किया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आरजेएस ने दो नई बातें की हैं। एक तो अपने जो परिवार के दिवंगत आत्मा है जो इस परिवार में, तो इस परिवार के भी जो अगली पीढ़ी है उसको आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली होने से दादा दादी नाना नानी बुआ फूफी उन सब चीजों का वो भूलते जा रहे हैं, नाम ही भूलते जा रहे हैं। उनके फोटोग्राफ्स नहीं मिलते हैं। इस दरमियान में जब हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया तो लोगों ने अपने माता पिता के धूल धूसरित फोटो को साफ करके भेजा, यानी वो कहीं कोने में पड़े हुए थे, तो हम लोगों ने बड़े आदर पूर्वक उनको जगह दी किताब में। एक मुहिम, एक ये एक डायमेंशन है, पॉजिटिविटी का एक डायमेंशन, कि जिन लोगों ने अपने परिवार की सारी विरासत छोड़कर चले जाते हैं अगली पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ी उन्हें भूल जाए, तो वो नकारात्मकता जैसा लगा तो हम लोगों ने इसको अभियान के रूप में लिया, और ये किताब के अंदर अगली किताब में भी आएगी। पिछली पहली प्रथम पुस्तक में भी ये थी, और इसीलिए इस पुस्तक को आरजेसियंस ग्रंथ का दर्जा दे रहे हैं। इन सब नए नए डायमेंशंस को लेकर हम लोगों ने, जो आरजेस में अगर पुरुष हैं तो उनकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया गया साथ में, जुगल जोड़ी को, जुगल जोड़ी का भी कंसेप्ट लेकर हम लोग आए, और वेबिनार में भी आप देखते हैं कुछ जुगल जोड़ी जुड़ते हैं, तो हम लोग आरजेस स्टार फैमिली अवार्ड भी शुरू किया। पति पत्नी को, अगर पत्नी जुड़ी हुई है तो पति को बुलाया गया, क्योंकि दोनों ही पिलर होते हैं समाज के, परिवार के, तो उनको हम लोगों ने दिखाया कि एक एक के कंट्रीब्यूशन में दूसरे का भी योगदान होता है, तो वो मंच पे आना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे डायमेंशन हैं। आपने आगे देखा होगा हम लोगों ने बहुत सारे स्वैच्छिक समर्थन किए, तो वो सब किताब के अंदर जो है वो आएंगे। जो आपने काम किया है उसी का दस्तावेज है, और कुछ आर्टिकल्स होंगे बड़े बड़े गणमान्य लेखकों के, मोटिवेशनल स्पीकर के, उनके आलेख भी रहेंगे, ताकि वो पठनीय पुस्तक बने और सकारात्मक कार्यों का दस्तावेज बने। जी जी। और ये भी सच है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने दिवंगतों को होमेज दें,
और तो हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय जो एल्डरली हैं उनको भी हम शामिल करने के प्रति आग्रह है हमारा, जैसे कि यूथ को तो है ही, इस प्रकार से भी है। तो और फैमिली के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली भी हमने मनाया, जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है फैमिली, और फैमिली में हर एक में भावनात्मक लगाव और एक दूसरे के साथ जुड़ाव, जो अब के जो बिखराव है उसको वापस सकारात्मक उसके जुड़ाव की तरफ मोड़ना है हमने, वो तो हमारा उद्देश्य है। तो मन्ना जी, अभी आपने अनेक प्रकार के डायलॉग्स किए हैं जिनका एक तांता सा बन गया। मैं देखता हूँ कि आपने ये प्रति मैदान में होने वाले जो महोत्सव आत्मनिर्भर को भारत। वहाँ भी आपने, हाँ जी, उसमें आपने तो एक श्रृंखला सी शुरू कर दी, एक तांता सा लग गया, उसके विषय में जी थोड़ा जी सा अपनी भावनाओं हाँ, हम को लोगों बताओ। ने बहुत पहले से ही पॉजिटिव आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने ही पॉजिटिव मीडिया डायलॉग हम लोग करते रहे हैं, लेकिन विधिवत जो है आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जब से आया 6 अगस्त 2023 से, तब से इसके अंदर पॉडकास्ट भी आ गया, आरजेएस पीबीएच पॉडकास्ट आ गया, उदयवाणी आ गया, और अखबारों में प्रेस रिलीज जारी करना आरजेएस ने अपने, क्योंकि वो मेला तो किसी और ऑर्गेनाइजर ने लगाया, लेकिन चूंकि उस ऑर्गेनाइजर ने बहुत अच्छा काम किया है तो आरजेएस पीबीएच की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है, और हम लोग वहां पे टीम के साथ जो है वहां भ्रमण करते हैं, देखते हैं अपने आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को, वो सब भारत के भाई बहन, चूंकि दिल्ली है तो यहाँ पर हर हर तरह के मेलों में आते रहते हैं, तो भाई बहन के दृष्टि से सकारात्मक पत्रकारिता करने के लिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो, चाहे विश्व पुस्तक मेला हो, नई दिल्ली पुस्तक मेला हो, सूरज कुंड मेला हो जो कि अभी होने वाला भी है, विश्व पुस्तक मेला भी होने वाला है 10 फरवरी से 18 फरवरी, तो हम लोग आप देखेंगे साहित्योत्सव जो होता है साहित्य अकेडमी का, तो अकेडमी और आयोजक है, लेकिन हम लोग स्वैच्छिक समर्थन देते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता को लेकर भारत निर्माण करना चाहते हैं, तो हम लोगों को आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, इस तरह के काम करने का जज्बा, जुझारूपन, जोश, जज्बा, इसको लेकर हम लोग वहां पर जाते हैं, और साहित्यकारों से, आप भी उसमें शामिल थे साहित्योत्सव में, क्या खूबसूरत बातें हुई वहां पर साहित्य हाँ, की, बहुत और प्रोग्राम, पुस्तकों की बातचीत हुई, और वहां पर के अलावा भी हम लोग संगीत को किस तरह से समर्थन दिए, ये राष्ट्रीय युवा दिवस रामकृष्ण मिशन में जो बहुत बहुत कार्यक्रम खूब, हुआ उसमें बहुत कलाकार आए हुए थे, और असगर बहुत ही हुसैन उन्होंने साहब, उस्ताद असगर हुसैन साहब तो आरजेएस से जुड़े हुए हैं, उनका वायलिन जी हाँ जुड़े वादन जो हुए, है उन्होंने वहाँ वायलिन में वोकल के साथ संगत किस तरह की। से संगत की, जो वोकल के साथ संगीत्रा चक्रवर्ती के साथ, वहां शांतनु चक्रवर्ती भी, उनका भी भरतनाट्यम प्रस्तुत हुआ, जी, तो बहुत सुंदर ये राग गाया पॉजिटिव गया मीडिया था। डायलॉग के आया जब से, तब से आरजेएस ने डेली ब्रॉडकास्टिंग को प्रारंभ कर दिया, हर दिन जो है कुछ ना कुछ प्रसारण जो है हम लोग कर रहे हैं। और आरजेएस पीबीएच को लॉन्च किया था संजय द्विवेदी जी ने, जो फॉर्मर डीजी आईआईएमसी हैं, और इसको वर्चुअली पहले लॉन्च हुआ, फिर उन्होंने इसको, हमने आगे उसको 6 अगस्त 2023 में राजेंद्र भवन में लॉन्च किया। तो जैसा आपने ये उसका बारे में विस्तार से बताया कि इन डायलॉग्स का कैसे सिलसिला, और आगे इनकी गति बढ़ बढ़ बढ़ने जा रही है और बढ़ रही है। अभी तो जो आपने डायलॉग किए वो उससे मालूम पड़ता कि उसमें एक त्वरित वो आ गया है, वेग आ गया है। और हमारे आरजेएस पीबीएच के लॉन्च के बारे में मीडिया गुरु ने बहुत शुभकामनाएं दी हैं इसके भविष्य के बारे में। तो मैं समझता हूं कि इसमें आप की वाणी से ये तो स्पष्ट होता है कि आप आश्वस्त हैं और भविष्य को लेके अनेक आशाएं हैं। और क्योंकि आजकल के समय समय में हमको तो ग्लोबली पहुंचना है कोई भी अच्छा प्रयास, क्योंकि जैसे कि हमारा तो कहना ही है राष्ट्रपति, हम भारत एक परिवार और विश्व एक घर। कुछ भी नेगेटिविटी भले ही संकुचित रहे,
बेकारियां नैरो हो जाएं, लोकलाइज्ड हो जाएं और वैनिश हो जाएं। लेट ऑल एब्सर्डिटीज, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, व्हाट एवर इम्पीड्स अवर ब्यूटिफुल प्रोग्रेस, लेट ऑल दिस गेट्स नैरोड डाउन, रिड्यूस्ड, इलिमिनेटेड फाइनली। बट इफ देयर इज समथिंग पॉजिटिव, ब्यूटिफुल, हेल्दी, joy giving, let it spread globally. Our is one earth and one family. तो मैं मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके जब वाणी से और भी, क्योंकि आपके उससे तरंग, मैं उत्साहित तो रहता हूँ लेकिन आपके बोलने में कुछ ऐसा है कि तरंग और आता है, और मुझे लगता है कि आज ये सेंस भी आपको सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये बात आपने ठीक कहा और बड़े इफेक्टिव वर्ड्स में कह दिया कि हमको इस समय वो क्षण आया हुआ है, दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज पासिंग बाय, वी हैव टू सीज इट एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू डू दैट। तो ग्लोबली जाने का ये सिलसिला जो है ये शुरू हुआ, और उसके और भी तरह से देखा गया है हमारे प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमारे वेबिनार्स में तो बाहर से भी जुड़ते हैं, जब वहाँ रात होती है और यहाँ दिन होता है, वहाँ रात होती है, तो रात को 1 बजे 2 बजे भी जुड़ते हैं। तो उस तरह से ये सिलसिला और भी नई नई उद्भावनाएं होंगी, क्योंकि हमको अपना जो मानव परिवार है धरती पर उनके प्रति भी हम चिंतित हैं, क्योंकि सारे विश्व मानवता की जो समस्या है, तो ये बहुत ही अच्छा। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा मन्ना जी, अच्छा अभी तो शायद इस विषय में बताइए, ऐसा शायद संभव है कि जो जिन्होंने लाफ्टर का अभियान चलाया है विश्व में और अनेक देशों में, संभवतः वो एक बार आए थे और संभवतः दोबारा भी निकट भविष्य में आए। जी हाँ, ये भी बहुत ही अवसर है कि जिंदगी में हास्य का पुट होना चाहिए, सकारात्मक जीवन के लिए हास्य योग बहुत जरूरी है। जो भी चाहते हैं कि हम सकारात्मक जीवन जिए तो हास्य योग के बिना डिफिकल्ट होगा। तो हम लोगों ने हास्य को तो एडॉप्ट कर लिया और मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, ये अभियान चला। लेकिन जब से जो लाफ्टर योगा इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर मदन कटारिया जी और माधुरी कटारिया जी जब इस मंच पर आए लाफ्टर डे के दिन, तब से हम लोगों ने इसको, इसकी गति को तेज कर दिया। और लाफ्टर एम्बेसडर वगैरह भी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो जीवन में हंसी खुशी का बड़ा महत्व है। तो वो 11 फरवरी 2024 को 11 बजे से 12:30 बजे वो आएंगे, डॉक्टर मदन कटारिया जी, माधुरी कटारिया जी, तो उनके साथ इंटरेक्शन होगा और उनके मैसेज को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये हर रविवार हो रहा है, आप जानते हैं मलिक जी, कि हम लोग हर रविवार 1.5 से 2 घंटे का समय देश को दे रहे हैं। जी, राष्ट्र प्रथम केवल नारा नहीं है बल्कि राष्ट्र के लिए अपने समय को देकर कोई देश पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग हैं भारतवासी कहने में गर्व होता है। पूरे विरासत हम लोगों के साथ आ जाती है, हम लोगों के बलिदान की भी एक लंबी विरासत रही है कि अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को याद करने का एक मौका हम लोगों को मिलता है। हर रविवार हम लोग इस भावना को लेकर देश के लिए भी कुछ करने का जज्बा लिए हुए 1.5-2 घंटा 25 राज्यों के लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली आप कह सकते हैं कि वो बातचीत करती है। तो इस तरह से ये अभियान जो है 2047 तक का है मलिक जी, आप समझ जाइए कि इस दरमियान में आप 50 किताबों को प्रकाशित कर चुके होंगे। वो 50 किताबें 2047 जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ भारत मना रहा होगा, उसकी कल्पना कीजिए और कैसे लोगों में जिजीविषा होगी कि उस क्षण को देखने के लिए हम लोग न तो कोई सरकार हैं, हम लोग न तो कोई निकाय हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं और यही संविधान ने हम लोगों को ताकत दिया है।
हम भारत के लोग, संविधान की जी हाँ जी प्रस्तावना हमको हम भारत के लोग से शुरू होती है, जी हाँ जी उन्हें भारतीय लोगों में शक्ति जागृत करने का नाम है आरजेएस पीबीएच। बहुत खूब मना जी, आपने बहुत सशक्त वाणी में कह दिया, क्योंकि आपने काम किया है और आपने मूवमेंट को वर्षों से आगे लाए हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी वाणी में एनर्जी है। और क्योंकि हर चीज सरकार पर ही नहीं छोड़ सकते, जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है। और प्रोफेसर विजन मिश्रा ने भी हमारे अमृतकाल का सकारात्मक भारत के पार्ट वन में जो मैसेज दिया था, उसमें वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन ऑल द टाइम ऑन गवर्नमेंट और लेजिस्लेटर्स और जुडिशरी, बिकॉज वी हैव टू आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। तो उस हिसाब से जो आपने कहा वो बहुत ही ठीक दिशा में है, क्योंकि आपके जो इंगित दिशाएं हैं वो सकारात्मकता को बढ़ावा ही देती हैं। और जो जितनी जल्दी इस चीज को समझ लिया जाए, आत्मसात किया जाए, उतना ही गति में तेजी आएगी, क्योंकि समय बहुत क्रिटिकल है। नकारात्मकता का बोलबाला है, हमें तो सकारात्मकता कि अलख जगानी है डे डे इन एंड डे आउट। तो मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, और आपने ठीक कहा, और आपने आपके आपसे अधिक कौन कहेगा कि वेबिनार्स जो हुए हैं वो रिसर्च का विषय बनेंगे। मैं देख रहा था कि कितना कमाल का काम हो रहा है, और वो लोग इसके इसमें उपस्थित होते हैं और अपनी अपने कार्य के बारे में बताते हैं, जैसे रवि कालरा जी, स्वर्गीय रवि कालरा जी, सेव स्वर्गीय स्वर्गीय रवि कालरा जी, जी जी, उन्होंने बताया कि सेव द अर्थ फाउंडेशन, मन मन में खुशी का संचार होता है, इसलिए दुख तो है उसी के लिए वो सकारात्मकता मीन्स समाधकार हटाना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों को मानसिक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मानसिक जिनको तकलीफें थी, क्योंकि हमारे देश में वो बहुत व्यापक है, ऐसे ऐसे बहुत सी समस्याएं जिसमें हम रोशनी फैलाना चाहते हैं, हम उसको सकारात्मक ऊर्जा देना चाहते हैं, हम उस तरह से वो चीजों को हम अपने समाज को और बेहतर बेहतर करना चाहते हैं। उन्होंने कितना कितना उसमें काम किया है। और हमारे वेबिनार्स में जो स्वतंत्रता सेनानियों के आगे वंश के लोग भी आए हैं, वो भी आए हैं हमारे हमारे कार्यक्रम में, और बहुत विद्वान जुड़े, 600 से ज्यादा प्रमुख व्यक्तियों ने इसको समर्थन किया। जी जी जी, जी। तो इसको जब बहुत क्लोजली देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत बहुत महत्व की ये आंदोलन है, और उसको देखने से, उसकी जांच पड़ताल करने से पता चलता है कि उसका महत्व क्या है। और आरजेसियंस इसको जितना ज़्यादा समझते हैं उतना ज़्यादा उनमें जुड़ाव आ रहा है, लोगों तक अब ये और फैल रहा है। और क्या ये मानेंगे आपके जो हमारे इतने महत्व के प्रोग्राम हैं उन पर आने वाले समय में रिसर्च तो होगी होगी, जैसे कि सेक्रेटरी AIW यू नो ऑल इंडिया AIWC के सेक्रेटरी जो हैं मंजू काक जी, वो उस समय कह रही थी आपके डायलॉग में कि मैंने इसको बीच में देखा है अमृतकाल का सकारात्मक भारत पार्ट वन, और उन्होंने देखा कि ये तो इसमें तो बहुत कुछ है जिसमें कि रिसर्च को, क्योंकि वो पढ़ाती भी हैं। तो इस तरह से क्या आप इस संदर्भ में ये मानेंगे, और मैं भी समझता हूँ कि कुछ वेबिनार्स में ऐसे ऐसे मुद्दे उठे हैं कि उन पे उनको और स्ट्रेंथ देने की, उसमें फॉलो अप करने की भी हमको जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं इसका इसका विस्तार तभी होगा। तो ये मना जी बहुत इसमें दिशा जो आपने बताई है, और उस दिशा में
आगे बढ़ने के लिए सभी को कटिबद्ध होना है और इसमें गति को और तेज करना है, और गति तेज होती जा रही है। और हमारे वेबिनार्स में इतने महत्वपूर्ण पहलू चर्चित हुए हैं जो जो जिस पर अगर कुछ कार्य होगा तो समाज बेहतर तो होगा ही होगा। और आपने जो जैसे मीडिया मिरर सोसाइटी, लेकिन जब मिरर ही ठीक नहीं होता है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन। तो आरजेएस पीबीएच का ये इरादा है कि हमको जो स्ट्रेंथ है सोसाइटी की उसको रिफ्लेक्ट करना है। अब जैसे आपने डायलॉग किया फॉक्सी के प्रेसिडेंट के साथ, बहुत बड़ी फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें उनकी यात्राएं भी हुई और उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम वी आर कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ वीमन, विद द वेलफेयर ऑफ एल्डरली, विद द वेलफेयर ऑफ यूथ, विद द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विच आर द बर्निंग कंसर्न ऑफ अवर प्रेजेंट सोसाइटी, एंड वी आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न विद दोज थिंग्स, एंड उसको हम ला रहे हैं बीच में। तो इसमें फॉलो अप भी करना है और साथ में हमारी जो पुस्तक है वो ज्यादा से ज्यादा नजरों में आ रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी आप मानेंगे कि इसको जाने की जरूरत है। सभी जगह जहां भी हम लोगों के, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खुद आरजेएस के कार्यक्रम में आ चुके हैं, हाँ, आए तो हुए जो हैं। जो हम लोगों का पहले फेज में तो जहां जहां जुड़ाव है वहां तो जी हम लोग जी जरूर ही जाएं, क्योंकि जी वो जी जानते हैं, समझते हैं, कार्यों को महत्व देते हैं। जी जी और उसके बाद राज्यों पर निगाह है कि हर राज्य में ये किताब उपलब्ध रहे, जी उसके जी चाहे जितनी भी कोशिश की जाएगी, जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक जी किताब को पहुंचाना। और 6 अगस्त 2023 को तो 10 राज्यों में ऑलरेडी आरजेसियंस आकर किताब ले गए, तो जी 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 इंडिविजुअली ले गए, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि वो लाइब्रेरी तक पहुंचे, और उसकी कोशिश ही जारी है, आगे भी जारी रहेगी जब जब किताबें आएंगी, क्योंकि 2047 तक का ये प्रोग्राम है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 किताबें आएंगी। हर साल 2 किताबें जी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर रिलीज होंगी जी जी और देश को समर्पित की जाएंगी। जी आरजेएस दो ही राष्ट्रीय कार्यक्रम करता है, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर, और उसमें ये किताबें रिलीज की जाएंगी। जैसे इस बार गणतंत्र दिवस पे पोस्टर रिलीज हो रही है, क्योंकि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का प्रोग्राम 13 फरवरी को है, इसलिए 13 फरवरी को पुस्तक लॉन्च का कर दिया गया, लेकिन पोस्टर लॉन्च जो है पुस्तक का वो 21 जनवरी 2024 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। जी। जी और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो बहुत उनकी एमिनेंस है कला के क्षेत्र में, उनके एनएसडी के डायरेक्टर रह चुके हैं वो, और उन्होंने उनके का उनका कार्य समाज के सम्मुख है, और इस समय भी जो वो कला निधि संकाय के को देख रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका डायलॉग हुआ, बहुत अच्छा इसमें रहा। और संगीत को भी और हास्य को भी, और क्योंकि जीवन में कुछ चीजें इंस्टेंटली हमको खुशी दे देती हैं, हम जो सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं उनके उनके अच्छे फल वो फलीभूत होंगे, वो फलीभूत होंगे, उसमें थोड़ा समय का वो लैप्स हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें इंस्टेंटेनियस हैं, वो उसी तत्क्षण वो उनकी उपलब्धि हो सकती है। तो संगीत एक ऐसा चीज है, और हम मैं समझता हूँ इसको हम आप मानेंगे कि इसको तो आप फोकस करते रहेंगे जी हाँ, उस जिससे संगीत पे कि वेबिनार भी किया गया, संगीत पे वेबिनार भी किया गया, पॉजिटिव मीडिया जी डायलॉग हुआ, संगीत पे वेबिनार भी किया गया, और जी वेबिनार जी और पॉजिटिव मीडिया डायलॉग ये सब किताब के अंदर आ जाएंगे। यही खूबसूरती है कि जी जी आरजेएस पीबीएच की टीम जो कार्य कर रही है,
उस सब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसका, जी और हर जी विषय को ले रहे हैं हम लोग। सकारात्मक पत्रकारिता में हर विषय आ जाता है, जी तो उसमें आप चाहे महिलाओं के बारे में आप देखिए कि बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और हम लोगों ने जी महिलाओं को ट्रेंड किया। वो बहुत सारी हाउसवाइफ थी, टीचर्स जी थी, हाउसवाइफ थी, तो जी जी एज ए मीडिया कर्मी हम लोगों ने उनको वीडियो बनाने के बारे में बताया, समझाया, सिखाया, बोलने का लहजा बताया, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताया, और उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाई हैं, जो कि आरजे पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे स्वतंत्रता सेनानी आप लिखिए, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम, अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों पे हम लोगों ने जो नोन है या बहुत से लोग नहीं जानते हैं उन पर भी वीडियो जो है वो उपलब्ध है, वो महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में बनाया है। उसी तरह से यूथ को लेकर जो पत्रकार थे उनको लेकर हम लोगों ने विगत वर्षों में बहुत सारी बैठकें की, और उन पत्रकारों को सकारात्मक पत्रकारिता के बारे में समझ को बढ़ाया। यही नहीं मलिक जी, हम लोगों ने अच्छा यूट्यूब जब जब आया, ये 2015 16 17 की बात है, जी तो हम लोगों ने वर्कशॉप की शुरुआत कर दी 2018 से लेकर, और लगभग हम लोगों ने 8 वर्कशॉप की। और फिर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का, उस समय मैं प्रेस सेक्रेटरी था, तो जी उस समय वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के भी लगातार जो है पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित होने लगी, जी और इस तरह से हम लोगों ने समाज के लिए काम करने का जज्बा पॉजिटिविटी ही दे सकती है। नहीं तो आदमी जी अपने में गुम रहता है, अपने चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वैश्विक दृष्टिकोण जब आ जाता है तो फिर विश्व एक घर हो जाता है। तो ये सारे स्लोगन्स जो हैं वो उसे लेकर जब काम करने की शुरुआत होती है तो वैचारिक दृष्टिकोण से वसुधैव कुटुंबकम अपने आप वो आ जाता है। तो आज जी देखिए किस तरह से भारत में जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो पूरे विश्व का ध्यान जो है अयोध्या पर आ गया है, और हम जी लोगों का श्लोक और सुविचार से श्री कबीर मंदिर से भी हम लोग जुड़े, और किस तरह से वहां पे जी पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किया गया, वो सब किताब के अंदर आ जाएंगी। तो जी आरजेएस जी पीवी जहां भी जाएगा वो किताब की पृष्ठभूमि तैयार होती है, ये खासियत है। यात्राओं पे अब कुजीन को लेके एक हफ्ते की यात्रा उत्तराखंड की हुई, उत्तराखंड में उत्तराखंड के कुजीन, जिस जो कि आज मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, मनाया गया 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, हम लोगों ने 2020 में ही मिलेट वाली यात्रा कर चुके थे एक हफ्ते की यात्रा, और हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई, और अब महाराष्ट्र की यात्रा ले लीजिए, सकारात्मक पत्रकारिता की अलख जगाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, स्टेशन पर उतरते हुए उस अलख को जगाया गया। हरियाणा की यात्रा में हम लोग देशभक्ति के गीत गाते हुए चंडीगढ़ प्रेस क्लब पहुंचे थे। फिर इस तरह से यात्राओं का इतिहास। अब ब्रह्म कुमारी आपने तो फॉलोअप भी किया है, ब्रह्म कुमारी संस्थान ने मैं तो इनवाइट किया और वर्चुअली हम लोग वर्चुअली आए वर्चुअली आप साथ में थे, तो किस तरह से वहाँ राजयोग मेडिटेशन से लेकर जो है हम लोगों के सुबह सुबह 4 दिन क्लासेस हुई, बहुत और अच्छा लगा। आध्यात्मिक यात्रा थी, और तपोवन से लेकर और माउंट आबू और सब भ्रमण करने के बाद शरीर में एक अपने आप में एक एनर्जी का एहसास होता है, थकान नहीं होती है, ये सबसे जी बड़ी जी बात है ब्रह्म जी कुमारी संस्थान का कि और एक शांतिमय वातावरण जो है वो रस जाता है जी। रूम में। और उसके बाद और चिन्मय मिशन की भी आध्यात्मिक यात्रा हुई, सांस्कृतिक यात्रा हुई पटियाला चिन्मय मिशन जी, श्री राम बहुत मंदिर अच्छा में। जी, बहुत जी अच्छा रहा जी वो। जी जी और जी ब्रह्मा कुमारी के वहाँ माउंट आबू पे उनका जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जी वो इतने कमाल के हैं, और इतने वहां पे अधिक जितनी पावर चाहिए उससे शायद अधिक ही उसमें जनरेशन होता है, और वो जनरेशन सूरजमुखी के फूल की तरह हाँ वो सुबह से शाम को मुड़ते रहते हैं जिधर जिधर मुड़ सूरज सूरज की है। दिशा में मुड़ते रहते हैं। जी बड़ा अच्छा लगा देखकर इस जी तरह के, क्योंकि हमने वेबिनार में भी अपने रिन्यूअल एनर्जी की, तो गवर्नमेंट भी इज सीज्ड विद दिस प्रॉब्लम, ऑल द वर्ल्ड इज सीज्ड, क्योंकि कार्बन प्रिंट जो है वो कम करना है और एनवायरनमेंट को बचाना है, तो वो सोलर पैनल्स इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने लगाए,
और अब तो जगह जगह लगा रहे हैं, चाहे मेट्रो हो चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, वहां पर भी लग रहे हैं। और ये चीज देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उधर चिन्मय मिशन में भी बहुत आध्यात्मिक वातावरण बहुत ही अच्छा था। जी, और ये सारी आपकी चीजें जो है अमृतकाल का सकारात्मक भारत पुस्तक में दर्ज हो गई हैं दस्तावेज के रूप में। लेकिन जी मलिक जी, जी यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जी आजादी का अमृत महोत्सव को तो हम लोगों ने 14 अगस्त 2021 से शुरू किया, जी और उससे पहले जो कोरोना काल के समय में 150 से ज्यादा फेसबुक लाइव है ना, वो जी जी फेसबुक लाइव उदय मन्ना फेसबुक लाइव में है, कोई भी उसको देख सकता है। जी इसके अलावा जो काम जो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने जन भागीदारी में एडॉप्ट किया, उससे पहले हम लोग यही चीज कर रहे थे कि पूरे देश भर में 163 बैठकें करवा चुके थे ऑलरेडी, जिसमें कि एक महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी होते थे जिनको श्रद्धांजलि दी जाती थी, और साथ में फोटो लगते थे। अब जो सह आयोजक होते थे उनके दिवंगत परिजनों के फोटो लगाए जाते थे और श्रद्धांजलि दी जाती थी। ये कंसेप्ट आरजेएस ने आजादी का अमृत महोत्सव से पहले ही शुरू कर दिया था। तो जी जब ऐसा लगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी कि आजादी का अमृत महोत्सव में संस्थाएं जो है जन भागीदारी कर सकती हैं, क्योंकि ये गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी और इन लोगों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, हम लोग जी ऑलरेडी 163 बैठकों में ये काम कर चुके थे। जी जी और मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी से लेके और बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं समाज के, उस ओर ध्यान गया है, व्यापकता है। अब जैसे एमएसएमई को एक वेबिनार में उन्होंने ये बहुत, क्योंकि एमएसएमई जो है बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉय करते हैं, जी बहुत बड़ा उनका प्रपोर्शन है एक्सपोर्ट में भी। हाँ, हम लोगों ने उस विषय को लिया अपने वेबिनार में, जी, और सकारात्मक पत्रकारिता में अलग अलग, अब जैसे इंश्योरेंस पे भी हम लोगों ने बात किया, जी तो वो क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, और और वृद्धाश्रम आगे भी होने जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर भी हम लोग बात किए, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित जो डेज हैं हाँ, जो उनको ध्यान ही बहुत। आकर्षित करने के लिए, जी उसको भी हम लोगों ने भारी संख्या में मनाया और लोगों तक उस विषय को पहुंचाने का प्रयास किया। जी 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 और तो इस तरह से हमने ये जी यात्रा आगे चलती रहेगी, चरैवेति चरैवेति जी आगे जी चलती रहेगी, और हम भारत के लोगों को मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करना है कि केवल सरकार के लिए ही ना सोचें, सरकार अपना काम कर रही है, जी एक 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 भारत का नागरिक होने के नाते सोचे कि विश्व के जी प्रति आपकी हमारे जिम्मेदारी है, और कर्तव्य भी केवल हैं। प्राणी यस, मात्र में आप जीव जंतुओं को भी शामिल कीजिए। तो हाँ कैसे हम लोगों ने यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क गए, आप भी थे, और उसके बाद हम लोगों ने नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क हम लोग गए, तो जीव जंतुओं को लेकर भी जागरूकता, ये पॉजिटिव मीडिया का काम जो है वो जी आरजेएसपीबी कर रहा है, और जो हम लोगों को सलाह और सुझाव मिलते हैं हम लोग उस जी पर जी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। यही चरैवेति चरैवेति जो है 2047 तक का तो फिलहाल है, लेकिन आगे भी चलेगा, लेकिन चूंकि जी आजादी की 100वीं वर्षगांठ के लिए हम लोग संकल्पित हैं, तो उसको जी देश और दुनिया तक इसको पहुंचाने के प्रयास में राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस लगा हुआ है, लगा रहेगा, और लक्ष्य को पूरा करके ही हम लोग और किसी और बहुत दिशा में अच्छा, जाएंगे। बहुत अच्छा संदेश है मन्ना जी ये आपका। इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी और इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। यही हम वाणी को विराम देते हैं। जी, बहुत अच्छे और सवाल आपने पूछे मलिक जी, और मैं कितना बताने का प्रयास किया, लेकिन ये कड़ी जो है वो चलती रहे, जी, समय लंबा है, और सभी आरजेसियंस को हम दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जी, जिंदगी शुभकामनाएं। को जीने का नजरिया जो है वो आशावादी रखें, जी, जो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस हाँ, भावना के जैसा साथ कि संतोषात परम सुखम करते हुए, और देश जी, और दुनिया के बारे में चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें।
जी, जय और ये हिंद बहुत जय जय महाराज हिंद मन्ना जी। जय हिंद।